वर्दी वालों को दिन में 16 से 18 घंटों की ड्यूटी के बाद अपना कीमती वक्त परिवार के साथ बिताने उन्हें सरकारी आवास का आवंटन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा बनाए जा रहे इन मकानों में राजधानी में ड्यूटी कर रहे जवानों को रहने छत दी जा रही है, जिससे उनके सामने रहने की चुनौती सामने न आए। राजधानी के तकरीबन 3000 पुलिस वालों को उनकी छत देने का काम पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में लगातार चल रहा है, जिनमें अब तक कई स्थानों पर अपार्टमेंट नुमा मकान बनाकर उन्हें रहने के लिए घर दिया जा चुका है। हाल ही में पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन ने रायपुर जिला पुलिस को 1000 मकान सौंपे हैं, जिनमें रायपुर पुलिस ने तकरीबन 700 मकानों का आवंटन यहां तैनात जवानों को कर दिया है। इस आवंटन की जानकारी देते हुए एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि रायपुर के अमलीडीह में 1000 से ज्यादा मकान जिला पुलिस को आवंटित हुए थे, जिनमें से अभी तक 700 मकान आवंटित हो चुके हैं। अमलीडीह के साथ ही राजधानी की पुलिस लाइन में भी मकान बन रहे हैं, जो अलॉटमेंट में वेटिंग लिस्ट के आधार पर आवंटित किया जाएगा। अभी पुलिस हाउसिंग बोर्ड द्वारा इसमें अमलीडीह में बहुत सारे निर्माण कार्य जारी है, अभी जिसमें तकरीबन हजारों लोग जो अपने जवान हैं जो अभी मकान से वंचित हैं, उनको सभी को मकान आवंटित हो जाएंगे। फिलहाल इसमें अभी हम लोगों के यहाँ 700 पेंडिंग है और लगभग उससे ज़्यादा मकान बन रहे हैं अपने पुलिस लाइन में भी और अमलीडीह में भी। तो लगभग जितने भी अभी यहाँ पर जो प्रतीक्षारत हैं हमारे कर्मचारी, सभी को आने वाले 3 महीने में सभी को मकान आवंटित हो जाएगा। रायपुर में दीगर जिलों से तैनात पुलिस जवानों को रहने के लिए छत देकर पुलिस विभाग ने उनकी सबसे बड़ी समस्या से निजात दिलाई है। साथ ही छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन प्रदेश भर में विभाग के लिए लगातार आवास निर्माण की कार्य कर रहा है, जिससे वहां रहने वाले जवानों के सामने से घर की समस्या दूर हो सके। देश टीवी के लिए कैमरामैन एस गणेश के साथ रीचा सहायक की रिपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।